और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं की प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न। राजकीय पॉलिटेक्निक दही में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं की प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न हुई है। छात्र छात्राओं ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के व्याख्याता राणा विक्रम प्रताप सिंह, सुरेश कुमार त्रिपाठी, अनुराग अग्रवाल, रुचि सिंह एवं यूसरा सिद्दीकी के देखरेख में दिशा निर्देशन में कई प्रोजेक्ट तैयार किए जो आकर्षित रहे। सौरभ कुमार, पवन विश्वकर्मा, अजीत ओम जायसवाल एवं अर्जुन वर्मा द्वारा RC एयरप्लेन कैमरे के साथ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। वहीं अर्पिता शुक्ला, तनु प्रजापति, समीक्षा आकांक्षा गौतम द्वारा चालक रहित मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। अभिनव बाबू, हर्ष जितेंद्र पाल, यश के द्वारा ब्रेकर की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्पीड का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। संस्था प्रधानाचार्य पीयूष द्वारा सभी प्रोजेक्टों का निरीक्षण कर छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यही बच्चे भविष्य में देश में एक अच्छे वैज्ञानिक और होनहार इंजीनियर बनकर अपने माता पिता एवं संस्था का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने अन्य बच्चों को भी नसीहत देते हुए कहा कि आप लोग भी इस तरह से मेहनत करके और चीज़ों का आविष्कार करें, निश्चित ही आप लोग बधाई के पात्र हैं। प्रधानाचार्य ने प्रोजेक्ट तैयार कराने वाले शिक्षकों की सराहना करते हुए कहा कि आप लोगों की मेहनत भविष्य में रंग लाएगी, बच्चों का भविष्य बनेगा। प्रयोगात्मक परीक्षा लेने आए नियाज हसन काजी ने प्रोजेक्टों का निरीक्षण किया। उन्नाव से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RPS समाचार।